सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाए मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। पनवेल मनपा क्षेत्र में कोविड 19 के कुल 5,871 मरीज हैं, तो वही अब तक 150 मरीजों की मौत हो चुकी है। पनवेल मनपा क्षेत्र में वर्तमान मरीजों की संख्या 1,396 है एवं ठीक होकर घर लौटने वाले मरीजों की संख्या 4,325 है। पनवेल मनपा क्षेत्र में कोविड मरीजों का रिकवरी रेट 73.67% है। बता दें कि अगर नोड निहाय तौर पर पनवेल मनपा क्षेत्र की बात करें तो सबसे अधिक नेगेटिव यानी कि ठीक होकर घर लौटने वाले मरीजों की संख्या पनवेल नोड में सबसे अधिक है। तो आइए एक नज़र डालते हैं पनवेल मनपा क्षेत्र में नोड निहाय तौर पर मरीजों की संख्या पर। कलम्बोली नोड में कुल मरीजों की संख्या 1,034 है, जिसमें से 700 मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, तो वही वर्तमान में 308 मरीज है एवं 26 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। कामोठी नोड में कुल मरीजों की संख्या 1,220 है, जिसमें से 950 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वर्तमान में कोविड मरीजों की संख्या 234 है एवं 36 मरीजों की मौत हो चुकी है। खारगढ़ नोड में कुल मरीजों की संख्या 1,136 है, जिसमें से 840 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में मरीजों की संख्या 284 है, तो वही 12 मरीजों की मौत हो चुकी है। न्यू पनवेल नोड में कुल मरीजों की संख्या 985 है, जिनमें से 590 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, तो वही वर्तमान में 367 मरीज हैं एवं 28 मरीजों की मौत हो चुकी है। पनवेल नोड में कुल मरीजों की संख्या 1,137 है, जिसमें से 998 मरीज ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में 102 मरीज हैं एवं कोविड के चलते अब तक 37 मरीजों की मौत हो चुकी है। तलोजा नोड में कुल मरीजों की संख्या 359 है, 247 मरीज ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में मरीजों की संख्या 101 है एवं 11 मरीजों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।